को इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी जी ने 1988। व्यूज काफी अच्छे अच्छे आपको ये ट्रेन में देखने के लिए मिलेगा। इस ट्रेन में आपको वॉशरूम भी मिलेगा, सबसे बेस्ट, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी होगी जिसमें आपको वॉशरूम भी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आज काफी दिन बाद हम लोग घर से अराउंड 4:30 को निकले हैं। ये घड़ी थोड़ी सी आगे है, जैसे आप लोगों को पता होगा 10 मिनट्स आगे है। एंड अभी आज का जर्नी हमारा काफी ब्यूटीफुल होने वाला है। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले 1988 की सुपर फास्ट इंद्रायणी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 22105। एंड इसको इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी जी ने 1988। जैसे मैंने बताया, ट्रेन बहुत ज्यादा पुरानी है। एंड ट्रेन की जर्नी यानी मुंबई CSMT से पूना बोलो या मुंबई CSMT से लोनावाला बोलो, ये ट्रेन काफी बेस्ट है। मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेन भी काफी अच्छी है। मैं आपको सारा डिटेल्स दूंगी। एंड फास्ट ट्रेन है, मतलब सबसे बेस्ट है कि फास्ट ट्रेन है, एवरी डे चलती है। थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी हम लोग भाईंदर स्टेशन पर खड़े, एक बार वहां पर पहुंचते हैं। एंड आपको ट्रेन की सारी डिटेल्स, सारी जर्नी, सारे स्टॉप्स, कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार चलते फिर कंटिन्यू। दादर स्टेशन पहुंच गए हम लोग। एंड ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5-10 मिनट लेट चल गई, और अब दादर स्टेशन पर कुछ ज्यादा ही क्राउड है, क्योंकि जो कोई मेल ट्रेन आने वाली है वो लेट हो चुकी है। फुल्ली पैक है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ये ट्रेन चलती है। बाकी आपको सारे स्टॉप्स एंड डेज का तो क्या ही है, एवरी डे ही रनिंग है। एक बार ट्रेन में चलते फिर ट्रेन के बारे में, ट्रेन का अंदर का इंटीरियर वगैरह सब कुछ बताऊंगा। अभी दादर से ट्रेन निकल गई है, ट्रेन कुछ 10-15 मिनट ऑलरेडी लेट है। एंड अभी नेक्स्ट स्टेशन हमारा थाने है। एंड अगर आप ट्रेन देखोगे ना, ये ट्रेन एवरी डे चलती है, लेकिन ट्रेन एकदम क्लीन है, सीट्स वगैरह एकदम साफ सुथरी, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। लोकल ट्रेन जैसे ही है बट फिर भी क्लीन एंड नीट है। आपको ट्रेन में ये चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पर। प्लस अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हुए, ये हमारी सीट नहीं है, क्योंकि हमारा कोच है ना फुल्ली भरा हुआ, आई डोंट नो व्हाई, पूरा का पूरा भरा हुआ है, आजू बाजू भी सब भरा हुआ है। तो हमने सोचा है चलो कोई थोड़े खाली वाले कोच में जाके शूट करते हैं। ये ट्रेन ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर चलती है। बीच में जो जो स्टॉप्स आएंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। व्यूज काफी अच्छे अच्छे आपको ये ट्रेन में देखने के लिए मिलेगा। इस ट्रेन में आपको वॉशरूम भी मिलेगा, सबसे बेस्ट, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे की जर्नी होगी जिसमें आपको वॉशरूम भी मिलेगा। मैं आपको वॉशरूम का भी कंडीशन बताऊंगी, अगर अच्छा हुआ तो दिखाऊंगी, वरना मैं स्किप कर दूंगी। अभी ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हैं। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हमारा सेकेंड स्टॉप आ गया, सेकेंड नहीं मतलब हाँ सेकेंड नहीं, हमारे लिए फर्स्ट है, लेकिन ये ट्रेन CSMT से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 5:40। एंड अभी थाने पहुँचे हम लोग, ट्रेन 10-15 मिनट ऑलरेडी लेट ही चल रही है। अगर इसकी स्टॉप्स की बात करूँ तो CSMT से स्टार्ट होता है, फिर दादर, थाने, कल्याण, करजत, लोनावाला, शिवाजी नगर एंड देन पुणे स्टेशन। पुणे स्टेशन अराउंड 9 o'clock पहुँचता है, लेकिन हम लोग सिर्फ लोनावाला तक ही जा रहे हैं 8 बजे। एंड ट्रेन में कोचेज की बात करूँ तो जहाँ पर हम लोग बैठे दैट इज़ रिजर्व कोचेज, जहाँ पर ये भी फुल जाता है ट्रेन, हम लोग ने भी तत्काल में टिकट बुक किया है इसका। प्लस रिजर्व कोच है, अनरिजर्व यानी आप सिर्फ टिकट काउंटर से टिकट लेकर डायरेक्टली चढ़ सकते हो। एंड इसके अंदर AC चेयर क्लास भी है, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप ट्रैवल कर सकते हो। इसमें हमने पहले किया बट अभी हम लोगों को सिर्फ लोनावाला तक जाना है तो हमने सोचा कि इसमें ट्रैवल कर लेते। प्लस
ट्रेन ऑलमोस्ट फुली होता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ने भी तत्काल में टिकट बुकिंग किया, तो अगर आप लोगों को एकदम इमरजेंसी है तो आप लोग अनरिजर्व कोच में ट्रैवल कर सकते हो, बट उसमें बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने एक ही बार एक्सपीरियंस किया था एंड ठीक ठाक था, मतलब एक बार आपको सीट मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पूरा एंड तक आपको खड़े रहकर ही जाना है। बाकी कोचेज मैंने आप लोगों को बता दिया, स्टॉप्स आगे बता दिया। हाँ, पास वालों के लिए दो कोचेज अलग से है जो सिर्फ पास वालों के लिए होता है, बट अभी मैं उस कोच में गई नहीं, बाकी कोचेस तो सेम ही है, बट दो रिजर्व कोचेज है फॉर द पास होल्डर्स। बाकी अभी बीच में कुछ व्यूज वगैरह आएंगे जो करजत के बाद शुरू होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को एक बार वॉशरूम दिखाई देती हूँ। बाहर तो एकदम क्लीन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, बट अंदर इतना नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा स्टिंग कर रहा है। ऐसे तो यहाँ पे तो ऐसे क्लीन ही है, बट नीचे फ्लोर वगैरह गीला है, बट ऑफकोर्स ये पैसेंजर लोगों का ही प्रॉब्लम है। बाकी ऐसे सीट भी देखोगे तो थोड़ा तो क्लीन ही है, बट अंदर थोड़ा सा स्टिंग कर रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो ट्रेन काफी हिल रही है, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। बहुत सारे वॉशरूम है, हर एक कोचेस के आगे वॉशरूम लगे हुए, तो एटलीस्ट 3-3.5 घंटे की जर्नी में आपको अगर वॉशरूम जाना है, स्पेशली बारिश वगैरह में, विंटर में, तो आप लोगों को कुछ इशू नहीं होगा। चलिए वॉशरूम से बाहर निकलते फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग करजत स्टेशन पहुंच गए एंड जैसे आप लोगों को पता होगा कि करजत स्टेशन पर या फिर करजत के वड़ा पाव वगैरह काफ़ी फेमस है। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पर, इफ़ यू वांट टू ट्राई, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड अभी करजत से निकलने के बाद हम लोगों को, मतलब जो रूट आएगा, जो घाट वाला सेक्शन आएगा लोनावाला तक, वो काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। प्लस मानसून में ये वाला रूट काफ़ी रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत सारा ग्रीनरी आप लोगों को इस रूट पर देखने मिलेगा। ऐसे मैंने ये वाले रूट के काफ़ी सारे ट्रेन कवर किए, वंदे भारत, डेक्कन क्वीन, डेक्कन एक्सप्रेस, तेजस बोला, बहुत सारे ट्रेन कवर किए। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी इस व्लॉग में भी मैं आपको सारा जर्नी ज़रूर दिखाऊंगी। अभी लोनावाला स्टेशन पहुंच गए एंड अभी अराउंड कुछ 8:20 हो रहे, 20 मिनट्स लेट, ट्रेन लेट थी, स्टार्टिंग से ही लेट चली थी ट्रेन, दादर स्टेशन पर भी ट्रेन लेट आई थी। एंड आज वीकेंड है, इसके वजह से ट्रेन काफ़ी क्राउडेड थी। मतलब इसके पहले जब हमने ट्रेन में ट्रैवल किया था, एकदम आराम से ट्रैवल किया था, एकदम फुल्ली, एंड उस टाइम पे शायद मानसून था जब हमने ट्रैवल किया था, ट्रेन भी खाली थी, ऊपर से नज़ारे जो देखने के लिए मिले वो आज भी देखने के लिए मिले, बट गर्दी इतनी थी, डोर पर जाने के लिए नहीं मिला, तो जितना हुआ मैंने पॉसिबल कवर करने की कोशिश करी है। बस और कुछ नहीं, अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक इस ट्रेन के बारे में, तो
तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी मेन इन्फॉर्मेशन, ट्रेन एवरी डे चलती है, सीएसएमटी से सुबह 5:40 को चलती है एंड दादर में 5:53 का कुछ इसका टाइमिंग है एंड आप लोग बीच में से कहीं से बोर्ड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ट्रेन प्लेलिस्ट का पूरा प्लेलिस्ट बनाई है ट्रेन जर्नीज की, अगर आप लोग वो देखना चाहो, अगर आप लोगों को ट्रेन जर्नीज अच्छी लगती है तो वो आप लोग देख सकते हो। अभी तक ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर योर टाइम। अभी तक आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड थ्रेड्स पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।